welcome back to my channel Only Rouge, or welcome if you're new. So guys, today is a quite a different video on my channel. I've never done a food video and a Q&A video, वो भी एक साथ, क्या मतलब अकेले अकेले भी नहीं की. I thought आज मैं दोनों साथ ही कर लेती हूँ and I'm super excited for that. उसके लिए you know what happened? I went to Burger Lab and I got the food, or I have the questions which you guys sent me on Instagram, जो कि मुझे अभी नहीं पकड़े जा रहे. एक सेकेंड. सो गाइज, आई अपलोडेड स्टोरी ऑन माई इंस्टाग्राम. माई हैंडल इज ओनली रूज. फॉलो मी दे इफ यू हैवंट ऑलरेडी. आई लीव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. तो मैंने वहां रखी थी एक स्टोरी, रखी नहीं थी, डाली थी एक स्टोरी जिसपे था कि आस्क मी क्वेश्चंस बिकॉज़ आई विल बी डूइंग अ Q&A वीडियो. तो यू गाइज सेंट मी अ बंच ऑफ क्वेश्चंस. तो मेरे पास वो यहाँ है भी, मैंने इसको बंद नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली हम सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, सो इतनी जरूरी नहीं है. सेकेंडली, उसके साथ साथ आई थॉट आई विल बी reviewing, trying out food, kind of like a mukbang. तो जिसके लिए I went to Burger Lab और वहां से I got the food. तो let's get started. Okay, so हाँ, napkins मैं पहले अपने ऊपर napkin spread कर लूँ, क्योंकि गाड़ी में खाना मुश्किल काम है. I don't want to mess up things. ठीक है, पहले खाना करें, पहले question शुरू करें. चलो question नहीं, पहले एक bite ले लूँ फिर, क्योंकि मुझे सांस चढ़ा हुआ है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. I feel like mukbang videos are difficult क्योंकि आप खा रहे हो और साथ क्वेश्चन आंसर कर रहे हो. अच्छा, तो बर्गर बहुत मजे का है, मिल्कशेक ज्यादा मजे का है. बर्गर क्योंकि मैंने पहले भी खाए हुए, मिल्कशेक मैंने पहले भी पहले नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई करी है मेरा. अच्छा, द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दीज आर लाइक 10 क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं, चूज किया मेरे पास ज्यादा थे भी नहीं. एनी वे, सो आई जस्ट चूज अ फ्यू क्वेश्चन, तो हम इनके आंसर करेंगे साथ साथ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मैनेज वर्क, स्टडी, ब्लॉग एंड यूट्यूब. या पहला क्वेश्चन इतना मुश्किल है. अच्छा, अ लॉट ऑफ यू गाइज माइट नॉट नो, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ बिकॉज आई एम डूइंग सी ए, तो उसमें पढ़ाई भी होती है, उसमें साथ इंडस्ट्री लाइक आर्टिकल्स भी होते हैं फर्म्स में, और फिर मेरा इंस्टाग्राम पर ब्लॉग भी है ओनली रूज के नेम से, जस्ट लाइक हियर ऑन यूट्यूब, और ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल तो है ही. तो इस बंदी स्लैश बंदे जिसने भी क्वेश्चन किया, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने नेम्स नहीं लिखे, मैंने सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन किए थे. तो यार इन्होंने बड़े डीप क्वेश्चन पूछे, मैं क्या कहूँ कैसे मैनेज करते हैं, बस यही होते, दौड़े लग रही होती हैं हर जगह. आई मीन आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू गेट थिंग्स डन दोनों साइड पे, दोनों नहीं चारों साइड पे. आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू गेट ऑल माई थिंग्स इन ऑर्डर, और प्रोक्रेस्टिनेशन तो कूट कूट के भरी हुई है, क्या कहते हैं वो, वेन्स में. तो इट्स ऑलवेज लाइक आई एम ऑलवेज रशिंग, आई फील लाइक आई एम ऑलवेज रशिंग. अभी सो गुड. अभी भी इनफैक्ट मैं ऑफिस की ब्रेक टाइम में गई हूँ बर्गर लैब, वहाँ से मील ऑर्डर की है, यूट्यूब वीडियो कर रही हूँ साथ. और देखो यार, मतलब इस तरह ही होगा, होगा तो इस तरह ही होगा. डेट ऑफ बर्थ, सो माई डेट ऑफ बर्थ इज, माई बर्थ डेट इज 7th of June, और डे जो था वो था वेंसडे, विच इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई आई रियली लव वेंसडे. और फन फैक्ट, आज वेंसडे, आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो ऑन वेंसडे, और ये जो इनकी डील है भी वेंसडे वाली डील है. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं ऐसे इतना ऊंचा तो ऐसे बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पता नहीं किसी और ने मुझे आके क्वेश्चन बताना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट बुक्स आर यू प्लानिंग टू रीड नेक्स्ट. वाओ, आई लव दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग समथिंग दैट इज सो मच loved by me. एक सेकेंड, एक बाइट ले लूँ, एक और another thing which is loved by me. यार ये इसके पीछे क्रैकर्स हैं, मैं क्रैकर्स खा लेती हूँ. क्रैकर्स खाने के चक्कर में सॉस लगी है सारी मेरे ऊपर. सो बुक्स आई एम प्लानिंग टू रीड नेक्स्ट, करंटली आई एम रीडिंग Reclaim Your Heart. It's in my bag. Let me show it to you. Reclaim Your Heart मैं अभी करंटली पढ़ रही हूँ, लेकिन ये जो है ये भी खत्म होने वाली, बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट, आई एम दिस मच डन विद दिस. ठीक है, खत्म होगी, लेकिन इसके बाद मैं सोच रही हूँ कोई, क्योंकि ये बड़ी सीरियस इन द सेंस के स्पिरिचुअल सेल्फ हेल्प बुक थी, तो आई वॉन्ट टू रीड समथिंग जो कि बड़ा रिलैक्स और चिल वाइब वाली हो ना, तो काइंड ऑफ लाइक स्टोरी बुक. तो आई एम थिंक अबाउट डूइंग दैट, लेकिन कौन सी पढ़ी हूँ वो नहीं मैं अभी कुछ कह सकती हूँ. आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बुक्स इन माय टीबीआर, मैंने खरीदी भी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं पिछले बार पढ़ूंगी तो मैं अगले खरीदूंगी, ऑल्सो इसलिए भी क्योंकि मेरी अलमारी भर गई है, लिटरली भर गई है बुक से,
कि अब मुझे और अगर बुक्स ली ना तो मुझे अपनी चीज़ें निकाल के कहीं और रखनी पड़ेंगी, बुक्स इतनी ज़्यादा हो जाएंगी। सीरियसली, इफ आई हैव समथिंग ऑन माय माउथ ऑन माय फेस, प्लीज इग्नोर दैट, दिस इज हार्ड। मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं सिर्फ कैमरा सेट करके बोल जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, दिस इज अ फनी क्वेश्चन, नहीं फनी नहीं बड़ा डीप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वेयर आर यू, वेयर एम आई अभी एज ऑफ करेंटली, एज मतलब ओके ना, एज ऑफ राइट नाउ आई एम करेंटली इन द पार्किंग स्पॉट ऑफ अ कमर्शियल एरिया, क्योंकि दिस वॉज द ओनली थिंग, दिस इज वॉज द ओनली प्लेस आई थॉट कि जहाँ मैं आराम से बैठ के फिल्म कर सकती हूँ वीडियो। इधर उधर मैंने शेड्स लगाए हुए हैं। उसके अलावा वेयर आर यू मतलब अगर आप सिटी के सेंस में बात करना चाह रहे हैं तो वी लिव इन रावलपिंडी। उसके अलावा वेयर आर यू क्या होता है, गाड़ी में हूँ, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से, मिक्स करने की जरूरत है पर पता है दे डोंट चार्ज एक्स्ट्रा, मतलब खैर मैंने तो डील में लिए, लेकिन I just love this. So the next question which I have here is, what is your job? अच्छा पता है क्या, I'm what is your job? मतलब अच्छा यार पहले तो मैं बताऊँ ना, तो मैं CA firm में articleship कर रही हूँ। Articleship is not like job, it is kind of like your training, जो कि आप 3-4 साल 3.5 साल whatsoever, just education के साथ आपके बाद आप आए हैं तो उसके हिसाब से आपका time period होता है। तो I'm currently doing that, I'm doing my articles इन ए सी ए फर्म, और मैं होती हूँ टैक्स डिपार्टमेंट में, विच अलॉट ऑफ यू इफ यू फ्रॉम इंस्टाग्राम तो आपको पता है, क्योंकि मैं टैक्स सीजन वगैरह में काफ़ी पोस्ट वगैरह करती रहती हूँ पूरे ढेर फाइल्स का। तो ओह चिपक गया था, दिस इज द थिंग, ओह गिरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज, I really like your content, but how do you manage the work, study, blogging at the same time? यार ये वैसे ही क्वेश्चन है, मतलब गो टू क्वेश्चन नंबर वन प्लीज, या पता नहीं क्वेश्चन नंबर टू, आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन था, बट गो टू दैट। बट ये मुझे ये बता रही है कि रियलाइज करा रही है काफ़ी ज़्यादा काम मैंने अपने, क्या कहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा जगह अपनी टांगें डाई हैं। इन्होंने कहा आई रियली लाइक यू कॉन्टेंट, थैंक यू सो सो मच फॉर दैट, आई रियली अप्रिशिएट इट, और आप अपना सपोर्ट देते रहे सो दैट आई विल बी पम्प्ड अप, और मैं करती भी रहूँ। आई रियली होप We get somewhere together, ठीक है? अभी तो milkshake break। नजर आ रहा है? Cookies and cream, और ऊपर whipped cream है, और मैं हल्ते नहीं पहुंची। I feel like अगर ये questions खत्म होंगे, जो कि मुझे लगे होने वाले हैं, तो मैं पहले meal खाऊंगी, बाद में office जाऊंगी। यू आर व्यूइंग दिस वीडियो, अगर बार बार मेरे कैमरे की प्लेसमेंट चेंज हो रही है ना, तो यार प्लीज इग्नोर दैट, माइंड ना करना, क्योंकि मैं बार बार एक क्वेश्चन रिकॉर्ड करती हूँ, फिर देखती हूँ कि आज मतलब सही अलाइनमेंट थी, फिर मैं अगला रिकॉर्ड करती हूँ। तो या दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज, ओ मैंने क्वेश्चन के ऊपर बल्कि रख दिया था, वो चिकना चिकना हो गया। अच्छा, यू स्टडी और वर्क, द क्वेश्चन टिपिकली एवरीबडी गेट्स कन्फ्यूज मेरी स्टोरीज देख के कि यार ये कभी पढ़ी होती है, कभी ये कह रही होती है मैं सीए कर रही हूँ, कभी ये ऑफिस में होती है, सीन क्या है? तो भाई यही सीन है कि लाइक आई टोल्ड यू गाइस इन अ प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल, सी एम ए पढ़ाई और जॉब तो नहीं कहेंगे, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो साथ साथ हो रही होती है। सो आई कुड से आई एम डूइंग बोथ, बट आई एम नॉट डूइंग अ जॉब, आई एम बेसिकली इन ट्रेनिंग। बर्गर बाइट। सही ऐसे मार वाली बाइट हुई थी, और सेकेंडली मुझे टमाटर नहीं पसंद, आई लाइक टमाटोज, मैं उनको निकाल देती हूँ बहुत पसंद, और खुद निकल गया। टिप्स टू बीइंग प्रोडक्टिव, कैमरा टेढ़ा, पहली बात तो ये प्रोडक्टिविटी में यही खराब होगी, कैमरा ही टेढ़ा था यार। टिप्स टू बीइंग प्रोडक्टिव, आई फील लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ प्रोडक्टिवनेस, आई फील लाइक, क्योंकि व्हेनेवर आई टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स, तो मुझे बाद में क्या है, मुझे बाद में रियलाइज होता है कि प्रोडक्टिविटी मेरी काफ़ी नीचे चलेगी, है ना। तो आई वुड से कि प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, जो कि आई नो इट इज़ क्वाइट हार्ड, मैं खुद ही नहीं कर सकती, मैं किसी और को क्या कहूँ। और उसके अलावा सेट स्मॉलर गोल्स, मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं स्मॉलर गोल सेट करती हूँ आई टेंड टू अचीव देम, और मुझे मोटिवेट करता है, और मुझे मिर्चे लग रही है।
मुझे मोटिवेट करते हैं, आई फील गुड, जिसकी वजह से फिर आई टेन टू यू नो लाइक हो गया, फिर आई टेन टू एक्चुअली मैं लोगों को देखने लगती, सॉरी मुझे था कि वो इधर ना देखने लग जाए लोग. तो खैर सेट स्मॉल गोल्स, वो आप फुलफिल करोगे, यू फील मोटिवेटेड, यू फील से पम्प्ड अप, आप और काम कर सकते हो. उसके अलावा ज़्यादा ओवर बर्डन ना करें अपने आप को, दैट वुड आई वुड से. और टाइम टेबल मैं बचपन से बनाती हूँ, शेड्यूलिंग मैं बचपन से करती हूँ, सो आई वुड डेफिनेटली से कि आप भी करो. आई फील लाइक दैट हेल्प्स लॉट, आई फील लाइक दैट हेल्प्स लॉट. इवन दो एक बात है कि आपको होता है कि मैं काम नहीं कर सका, ये वो, यार ये इतना मजे का, हाउ मेनी टाइम्स आई से दैट. वी हैव हियर इज पढ़ा जा रहा है, इट सेज हाउ आर यू, आई लिटरली गॉट अ क्वेश्चन सेइंग हाउ आर यू एज इन हाउ वाज आई. यार अब उससे बहुत डीप क्वेश्चन है, लोग केयर ही नहीं करते आप कैसे हैं. पीपल विल बी लाइक ये कर दो, वो दिखाओ, वो करो, मतलब ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, बट क्या कभी किसी ने आपसे पूछा है कि असल में आप कैसे हो बच्चे, आप क्या हाल है आपका, कैसे हो आप सही में. ये क्वेश्चन सही दिल से आए किसी के, सही में दिल से आए, हाथों से टाइप करके नहीं आए, सही में दिल से आए, लाइक किसी की पूछ रहे हो. और यार आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेटफुल, अल्लाह ताला ने बड़ा बड़ा करम किया हुआ है. बाकी अपनी कोई अपने मतलब ड्रामे करता रहता है तो गड़बड़ें होती रहती हैं, बट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड. और थैंक्स फॉर आस्किंग मी, आई मीन आई नेवर एक्सपेक्टेड आई विल बी रिसीविंग सम क्वेश्चन सेइंग कि मेरा हाल कैसे, लाइक हाउ एम आई. आई होप यू गुड एज वेल. जो भी आपने इन्होंने क्वेश्चन भेजा, बड़ा आपने डीप और कंसिडरेट किस्म का क्वेश्चन भेजा. आई होप यू आर फाइन, आई होप यू आर गुड, आई होप यू ऑल आर गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट सीजन और शो. यार ये ऐसा सवाल है, जैसे हम बुक्स होती है ना, फेवरेट बुक्स, फेवरेट बुक और या इस तरह के ना फेवरेट सीजन और शो, ये ऐसा सवाल है कि आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू आंसर दैट, क्योंकि आई वॉच सो मेनी शोज. मुझे ऑल टाइम फेवरेट्स में मेरा शर्लॉक भी आता है, आई लाइक एरो, लेकिन उसके जो पहले दो सीजन अच्छे लगे थे. आई रियली लाइक आई एंजॉयड वॉचिंग वैम्पायर डायरीज, बट आई रियली एंजॉयड वॉचिंग ओरिजिनल्स. उसके अलावा अभी अर्थरूल, आई रियली लव्ड अर्थरूल. उसके अलावा अब मुझे भूलने लगे, पता नहीं मैं कौन कौन से देखे हैं, और आई एम प्रीटी श्योर माई सिबलिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक आपने ये शो भी तो देखा था, आपको तो ये भी अच्छा लगा था, मुझे अब सारे भूल रहे हैं. आई रियली लाइक अ लॉट ऑफ शोज. अभी फॉर सिंस अ फ्यू वीक्स इन फैक्ट, मतलब जनवरी से या शायद दिसंबर से आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग कोरियन शोज. तो आई हैव बीन लविंग द कोरियन शोज, आई हैव बीन लविंग के ड्रामाज, प्रिटी पीपल, प्रिटी सिनेरियोज, प्रिटी साइट्स, और सारा इतनी खूबसूरत साफ सुथरा माहौल होता है, सारा बड़ा ही मज़ा आता है. और उनका आई फील लाइक उनके ना क्या कहते हैं उसको, काइंड ऑफ लाइक स्टोरी लाइन थोड़ी डिफरेंट होती है और थोड़ी यंग होती है और इतनी कलरफुल सी होती है. आई फील लाइक सो गुड, आई फील देयर सो गुड. ठीक है, और सो आई वुड से कोरियन शोज भी मुझे बड़े अच्छे लगे हैं. वेरी रिसेंटली आई फिनिश स्टार्टअप एंड आई रियली लव्ड इट. उसके अलावा ट्रू ब्यूटी मैं अभी देख रही हूँ, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो मैंने रोका, जब कंप्लीट होगा मैं तब पूरा देखूंगी एक साथ, क्योंकि मैं इसे इंतजार नहीं होता यार कि लेट इज मैं इसे इंतजार नहीं होता कि मैं ना एक एपिसोड देखने बाद वेट करूँ एक हफ्ते बाद अगली एपिसोड आ रही है ना. वी डोंट नो व्हाट है. अच्छा, और माय आईडीज गैंग ऑफ ब्यूटी मैंने देखा था, बेचा था बीच में, मैंने एक दौर देखा है, बस अभी अभी था. लेकिन व्हाट आई वांट टू से हियर इज मुझे बहुत शोज अच्छे लगते हैं, फेवरेट शोज. अभी भी मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अपना फेवरेट कोई फेवरेट शो ऐसा है जो मेरा मिस हो रहा है, मैंने यहाँ नहीं बोला. माय सिबलिंग्स आर गोइंग टू कमेंट दैट, तो आप कमेंट्स में पढ़ लेना, होपफुली वहीं लिखा होगा. आई भाई द लास्ट क्वेश्चन इज अच्छा इन्होंने बेसिकली द लास्ट क्वेश्चन इज मैं लास्ट मैसेज गई थी, मुझे ऑब्वियसली आई हैव टू रश बैक टू वर्क एज वेल. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रूज, मतलब या तो वो मेरा नाम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम है अरूज, ए आर ओ ओ जे, अरूज, जिसको मैंने अपनी तरफ से बड़ा कूल बन के बड़ा फैंसी शमैंसी कहने के लिए रूज किया हुआ है, जिसे ओनली रूज मेरा यूट्यूब पे भी है, ओनली रूज मेरा इंस्टाग्राम पे भी है.
मे बी दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग कि अरूज मेरा नाम है नहीं, तो अरूज मेरा नाम नहीं, मेरा नाम अरूज है, वो भी ए से अरूज, यू से अरूज नहीं, और सडनली ओ से तो बिल्कुल भी नहीं. कैन यू बिलीव इट, देयर वाज दिस वंस आई, पता नहीं मुझे कोई कमेंट मिला था या कोई स्कूल के जमाने की बात, कोई रिपोर्ट थी, आई डोंट नो, समबडी रोड ओ आर डबल ओ जे, या पता नहीं ओ आर यू जे, आई वाज लाइक सीरियसली. Anyway guys, that was all for the video. I hope you liked it. I really enjoyed the video. और ख़ास तौर पर I had the super मज़े का meal with me, जो कि अभी तक मैं बातों के साथ नहीं खा सकती यार. मैं उन लोगों में से जो जाता हूँ सीजन देखते हुए, लाइक टी वी देखते हुए, यूट्यूबिंग करते हुए. हाँ, यूट्यूबिंग मैंने एक क्वेश्चन बताया था, मैं सीजन्स के अलावा यूट्यूबिंग बहुत करती हूँ. अच्छा, यूट्यूबिंग करते हुए, सीजन्स देखते हुए या बुक पढ़ते हुए मैं खाना खा रही होती हूँ. सो यू कैन से कि मेरा काफ़ी ज़्यादा खाना भी बचा हुआ है, मेरे से भी काफ़ी बचा हुआ है. तो अभी आई विल बी फिनिशिंग दिस, और आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. लेट मी नो अगर आपको और क्यों मेरे वीडियोज़ चाहिए. लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू ट्राई सम अदर फूड फ्रॉम सम अदर प्लेसेज, दैट आई विल डू एज वेल. मुझे मज़ा आया वैसे करके, ऑल्सो थोड़ा हैसल था, आई विल गेट यूज टू इट इंशाल्लाह. लेकिन इफ यू वॉन्ट मी टू डू दैट, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. उसके अलावा फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज ओनली रूज, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन. सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब करें और बेल बजा के भाग जाएं. आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बी अ बॉस.